हेलो फ्रेंड्स मित्तल की पाठशाला में आप सबका स्वागत है इसके पहले की वीडियो में हमने देखा होगा मैट्रिक पूर्वक समझ जो मैंने समझाया था कि मेज़रमेंट्स किस तरीके से होते हैं मेट्रिक की पद्धति से इस बार हम सीखेंगे कुछ मेज़र्स जो हम इजीली एक में से दूसरे में कन्वर्सेशन कैसे करना है वो सीखेंगे कुछ मेजरमेंट्स हम जानते हैं सपोज़ वी कैन से मीटर मीटर हम जानते हैं मीटर किसको बोलते हैं मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ओके सो एक एक मेजरमेंट से अगर दूसरे मेजरमेंट में हम कन्वर्सेशन करना है तो कैसे करेंगे और कैसे उनको याद रखेंगे कई बार हमें नहीं पता चलता है कि एक सेंटीमीटर इज इक्वल टू वोट टू सेंटीमीटर इज इक्वल टू वोट टेन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वोट टेन मिली मीटर इज वोट, सो उसके लिए हमें क्या करना है एक सीक्वेंस याद रखनी है बस और एक सीक्वेंस याद रखने के बाद हमें कभी भी कोई दूसरा याद नहीं रखना पड़ेगा और वो सीक्वेंस अगर आपके माइंड में बिठ गई तो हम ये कन्वर्जेशन का यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं मीटर के हम दो साइड बनाएंगे वन इज़ लेफ्ट साइड एंड अनदर वन इज़ राइट साइड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मीटर के लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे सबसे पहले हमें पता है कि डेसी वी कैन हमने सुना है डेसी ओके okay. फिर हमने सुना है सेंटी ओल्सो ओके okay. उसके बाद हमने सुना है मिली तो ये लेफ, लेफ्ट लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डेसी सेंटी मिली हम एक चीज़ जानते हैं कि टेन मिलीमीटर इज इक्वल टू वन सेंटीमीटर सो व्हाट इज़ द डिफरेंस दर इज़ ओनली टेन फिर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन डेसीमीटर सो अगेन देर इज़ द डिफरेंस टेन आफ्टर दैट टेन डेसीमीटर इज इक्वल टू वन मीटर अगेन द डिफरेंस इज़ टेन सेम एज राइट साइड राइट साइड वी ऑल्सो राइट लाइक दिस डेका ओके डेका के बाद हम लिख सकते हेक्टो और हेक्टो के बाद हम लिख सकते हैं किलो ओके okay, तो हम इतना लिख सकते हैं अब डेका के बाद मी मि मीटर हम हम जानते हैं कि टेन मीटर टेन मीटर इज़ इक्वल टू वन डेका मीटर ओके सो अगेन द डिफरेंस इज़ टेन टेन डेका मीटर इज़ इक्वल टू वन हेक्टोमीटर सो अगेन देर इज़ द डिफरेंस टेन एंड टेन हेक्टोमीटर इज इक्वल टू वन किलोमीटर सो अगेन द डिफरेंस इज़ टेन so all the difference is 10 10 10 so we have to remember only this sequence milli centi deci meter deca hecto kilo left hand side and right hand side There is positive and there is negative also we can uh, we, we, we uh, go like this 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 one is smaller bigger 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 again bigger 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 the, or अगर हमें डायरेक्टली याद रखना है कि सेंटीमीटर एंड मीटर के बीच में सो वी डायरेक्टली कन्वर्ट लाइक इफ टू जंप इज़ हियर, देन इट्स हंड्रेड अगेन हियर सेम इफ़ टू जंप इज़ हियर, देन इट्स हंड्रेड इफ़ यू वांट थ्री जंप, देन वी कैन राइट डायरेक्टली थाउजेंड ओके सो सेम सेम थिंग हियर. We can convert anything from here like centi to meter, deci to de hecto, meter to kilo, directly milli to kilo, direct milli to kilo. How many jumps are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. That means 1 and 6 zeros. It means 10 lakh. 10 lakh milli meter is equal to 1 kilometer. okay we can write like this okay so there is uh, we can also say 10 lakh is 1 million 1 million millimeter is equal to 1 kilometer directly also we can write we want like meter milli to meter, there is 1000 centi to deca there is again 1000 deci to hecto there is again 1000 deci to deca there is 100 why because how many jumps are there there is देट मीन्स डैट जीरो जितने जंप जम, हो गए उतने ही ज़ीरो होगी ओके okay, तो ये हुआ मीटर के बारे में सेम थिंग हम ग्राम के बारे में भी लिख सकते हैं ग्राम मीन्स वो uh, ये जो मीटर है वो लेंथ का मेजरमेंट है और ग्राम है वो किसका मेजरमेंट है कोई भी चीज़ को हमें तोड़ना है वेट करना है उसका मेजरमेंट है ओके okay, तो उसके लिए हम सेम थिंग डेसी ग्राम सेंटी ग्राम मिली ग्राम डेका ग्राम हैक्टोग्राम किलोग्राम सेम थिंग इज हियर। ग्राम में एक और चीज़ है वो सिर्फ इतना ही है कि उसके अंदर एक हंड्रेड किलोग्राम हंड्रेड सॉरी हंड्रेड किलो ग्राम इज इक्वल टू वन क्विंटल होता है और टेन क्विंटल इज़ इक्वल टन टन होता है तो ये थोड़ा अलग से याद रखना पड़ेगा कि हंड्रेड किलोग्राम इज इक्वल टू वन क्विंटल सो एंड टेन किलोग्राम इज इक्वल टू वन टन सो डायरेक्टली इफ आई वॉन्ट टू जम्प हियर किलोग्राम टू टन दैट इज़ थाउजेंड दैट इज़ वी कैन थाउजेंड सो दैट इज़ द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर ऑल द मेजरमेंट्स एंड इट्स कन्वर्जेशन थैंक यू